Hello my dear students, I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today we will start the first chapter of NCERT class 10 chemical reaction and equations. What is chemical reaction? The transformation of chemical substance into another chemical substance is called chemical reaction. Jab ek chemical substance dusre chemical substance mein change hota hai use hum chemical reaction kehte hain. For example, rusting of iron, setting of milk into curd, digestion of food, respiration. New substance is formed which is completely different in properties from the original substance. So in a chemical reaction, a chemical change takes place. Chemical reaction ke andar जो भी न्यू प्रोडक्ट बनता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है प्रॉपर्टीज में फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस. सेकेंड चीज़, उसमें खाली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस. यानी पहली हुई कि जो न्यू सब्सटेंस बना वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मेन सब्सटेंस से डिफरेंट होंगी और इसके अंदर दूसरा कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा. Reactants. The substance which take part in a reaction is called a reactant. जो substance chemical reaction में participate करेगा वो कहलाएगा reactants. Products. और जो substance after chemical reaction form होगा वो कहलाएगा product. यानी दो चीज़ हुई, reactants and products. Reactants means जो chemical reaction में participate कर रहे हैं और प्रोडक्ट मीन्स जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है. एक्टिविटी 1.11. क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंडपेपर. होल्ड इट विद द प्लेयर ऑफ टंग्स. बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और अ बर्नर एंड कलेक्ट द एयर सो दैट इट्स अ वॉच ग्लास एज शोन इन 1.1. बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कीप इट विद एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज. हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया 2 सेंटीमीटर का, उसे हमने सैंड पेपर से रब कर दिया जिससे उसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए. फिर हमने उसे स्प्रिट लैम्प या बर्नर पर बर्न किया. द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. जब मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये केमिकल रिएक्शन है. बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर. दिस इज डन, ये क्यों किया जाता है? टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन. यानी उसकी सरफेस पे क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसे हमें हटाना होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनके बेसिस पे कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो केमिकल रिएक्शन है. फर्स्ट चीज़ है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कोई गैस रिलीज हो. जैसे उसके लिए हमने लिया कि जब हमने जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट हुई. सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड इज कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट और बेरियम सल्फेट. जब हमने बेरियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो बेरियम सल्फेट बना, जो कि एक PPT, PPT मीन्स प्रेसिपिटेट, और HCl फॉर्म हुआ. थर्ड है चेंज इन कलर. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज बाय चेंज इन द कलर फ्रॉम द पर्पल टू कलरलेस. यानी जो मेन कलर था पोटेशियम परमैंगनेट का वो पर्पल था, जब वो सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कलरलेस हो जाता है. एक और एग्जांपल, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड
पोटेशियम डाइक्रोमेट इज करेक्टेड बाय द चेंज इन द कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। यानी जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या कलर था, ऑरेंज, वो किस में चेंज हो गया, ग्रीन। यानी हम केमिकल रिएक्शन को चेंज इन कलर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइन वाटर टू फॉर्म स्लिक लाइन इज कैरेक्टराइज बाय द चेंज इन द टेम्परेचर। यानी जब इन दोनों की मतलब जब रिएक्शन होती है क्विक लाइन की, तो स्लिक लाइन बनता है, इसमें टेम्परेचर वाई बहुत हाई हो जाता है। द रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमने इसमें बीकर में क्विक लाइन लिया, हार्ड ग्लास बीकर था, उसमें हमने वाटर ऐड किया तो हमारे पास बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लिक लाइन रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट, जिससे उसका टेम्परेचर राइज हो गया। फिफ्थ है चेंज इन स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, द कंबशन रिएक्शन ऑफ ए कैंडल वैक्स इज करेक्टराइज बाय द चेंज इन द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। बिकॉज द वैक्स इज अ सॉलिड, वाटर फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ ए वैक्स इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज अ गैस। मतलब उसमें तीनों चीज़ें हो रही थी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। देयर आर सम केमिकल रिएक्शन विच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। कई बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें जी जो पांचों मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ PPT, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये हमें सब दिखता है। लाइक दैट, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।